खरगोन जिले के सनावद में चुनाव आचार संहिता के चलते एसएसटी और पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक कार और एक बाइक से 11,70,000 रुपए जब्त किए हैं। सनावद थाना क्षेत्र के सताजना स्थित चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान मिर्च व्यापारी अनिल कुमार गर्ग की कार से 9,00,000 रुपए जब्त किए। वहीं बाइक सवार संजय वर्मा निवासी दो गांव के पास से 2,70,000 रुपए जब्त किए। दोनों व्यक्ति टीम को वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस मिर्च व्यापारी और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। एएसपी मनोहर सिंह वारिया ने मीडिया को बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान एसएसटी की टीम ने कार चालक और एक बाइक सवार से 11,70,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके पर प्रमाण दस्तावेज पेश नहीं करने पर कार्यवाही की गई। अब जिला स्तरीय टीम जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये थाना सनावद क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति से 9,00,000 रुपए जब्त किए गए हैं और एक व्यक्ति से 2,70,000 रुपए, कुल 11,70,000 रुपए पुलिस सनावद द्वारा, जिसमें एसएसटी टीम और थाने की टीम द्वारा कार्रवाई करके जब्त किए गए। ये वाहन चेकिंग के दौरान आए हैं, ये सनावद से बीड़िया तरफ जा रहे थे। चुनाव संबंध है इसका? नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट रिवेंस कमेटी इसकी जांच करेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जब्ती करके इसको जिला कौशालय में जमा कराया जा रहा है। इनकम टैक्स को सूचना दी जाएगी 10,00,000 से ऊपर है? नहीं, अलग अलग व्यक्ति है। 10,00,000 से ऊपर होने पर इनकम टैक्स द्वारा कार्रवाई की जाती है। क्या वाहन से सर जब्त करिए, सर ये वाहन मिले यार? हाँ, एक वाहन कार का बताया इसमें और एक बाइक से है। कौन व्यक्ति है सर ये? एक अनिल कुमार है जो 9,00,000 वाला है और एक बाइक वाला संजय है। दो अलग अलग लोग। अब क्या कार्रवाई होगी? अब इसको जब्त करने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिवेंस कमेटी को पैसे जमा किए जाएंगे और उसके आधार पे, उनके दस्तावेज के आधार पर कमेटी निर्णय लेगी इसका। तुमने कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं प्रस्तुत करा? वो वहीं पर प्रस्तुत करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।